तो चलिए स्टूडेंट आगे देखते हैं। हमारा जो पहला स्ट्रक्चर था जो कि टेस्टिस के बारे में हम बात कर रहे थे, जिसको हमने बोला था मेल गोनाड। मेल गोनाड इसको क्यों बोला था, क्योंकि हम यहाँ पर स्पर्म प्रोड्यूस होते हैं, इसीलिए इसको हमने मेल गोनाड्स बोला था। देखिए टेस्टिस का स्ट्रक्चर जो है मैंने ऑलरेडी ड्रॉ कर दिया है, सो दैट इतना ज़्यादा टाइम ना लगे, वीडियो छोटी हो जाए, ठीक है, बड़ी ना हो, इस वजह से मैंने डायग्राम पहले ही यहाँ पर ड्रॉ करके रख लिया है। ठीक है, टेस्टिस की बात करते हैं। ठीक है, स्क्रॉटम के बाद मैंने आपको बताया था कि स्क्रॉटम के अंदर टेस्टिस होती हैं। तो जब हम टेस्टिस की बात करते हैं तो टेस्टिस ये क्या होती हैं, ओवल ओवल ग्लैंड्स होती हैं, दीज आर ओवल ग्लैंड्स, ठीक है, जो कि स्पर्म प्रोड्यूस करेंगी और हार्मोन सिक्रीट करेंगी। तो ये जो ओवल ग्लैंड्स हैं, इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं, आपको स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, ओवल स्ट्रक्चर दिख रहा है टेस्टिस का। यहाँ पर मैंने एक प्रेसेस कर एक लाइन ड्रॉ की गई की है, जिसको हम बोलते हैं ट्यूनिका वेजिनेलिस। ट्यूनिका वेजिनेलिस ये वो मेम्ब्रेन है, वो लेयर है जो टेस्टिस को पार्शियली कवर करके रखती है। ठीक है, नॉर्मली इस स्ट्रक्चर में मैंने आपको डैश डैश लाइन से ड्रॉ यहाँ पर करके दिखाया है, लेकिन एक्चुअल में इस तरह से नहीं होती है, ये टेस्टिस को पार्शियली कवर करके रखती है, जिसको हम बोलते हैं ट्यूनिका वेजिनेलिस। ट्यूनिका वेजिनेलिस के अंदर एक और लेयर मैंने बनाई है, जिसको हम बोलते हैं ट्यूनिका, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। ठीक है, ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया हम इसको अंदर वाली लेयर को बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं जो टेस्टीज हैं, अगर मैं इनकी बात करता हूँ तो ईच टेस्टी जो उसकी लेंथ होती है टेस्टीज की, वो क्या होती है, वो होती है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, 5 सेंटीमीटर तक इसकी लेंथ हो सकती है। और अगर मैं इसके डायामीटर की बात करता हूँ, ईच टेस्टिस का जो डायामीटर होता है, ठीक है, वो कितना होता है, 10 सेंटीमीटर होता है। और ईच टेस्टिस का जो अगर मैं वेट की बात आपसे करता हूँ, तो ईच टेस्टी वे 10 to 15 grams, ठीक है, 10 to 15 ग्राम। ये इसके बारे में हो गया, दीज आर ओवल ग्लैंड्स, लेंथ 5 सेंटीमीटर होती है, डायामीटर 2.5 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, 2.5 सेंटीमीटर डायामीटर होता है, और इसका जो वेट होता है वो 10 से 15 ग्राम तक हो सकता है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर मैंने अभी आपको बताया था कि जो टेस्टिस हैं उसके ऊपर एक पार्शियली कवर्ड लेयर होती है, जिसको हम ट्यूनिका वेजिनेलिस बोलते हैं। और ट्यूनिका वेजिनेलिस के अंदर जो मैंने ब्लैक कलर से कंप्लीट ड्रॉ की है, दिस इज कॉल्ड ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। ठीक है, तो ये ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया अंदर की तरफ, देखो यहां से मैंने ग्रीन कलर से ड्रॉ करनी शुरू कर दी है, तो ये इंटरनली क्या करती है, टेस्टिस को डिवाइड करती है कंपार्टमेंट्स में। देखो यहां पर आपको दिख रहे हैं, ये छोटी ग्रीन कलर से जो मैंने ये ड्रॉ की है, दीज आर कंपार्टमेंट्स। तो मैं क्या बोल सकता हूं कि ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया इंटरनली डिवाइड्स द टेस्टिस इंटू स्मॉल कंपार्टमेंट्स। तो ये हमारे जो ग्रीन वाले हैं, ये क्या हैं, कंपार्टमेंट्स। ठीक है, और ईच टेस्टी में 200 से लेकर 300 तक कंपार्टमेंट हो सकते हैं। ठीक है, ईच टेस्टी में 200 से 300 कंपार्टमेंट होते हैं, यहाँ पर मैंने ऐसे ग्रीन कलर से ये ड्रॉ करके आपको दिखाए हैं। ठीक है, ये आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखिए ईच कंपार्टमेंट्स को हम लोब्यूल्स भी बोल सकते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, लोब्यूल्स भी बोल सकते हैं, लोब्यूल्स। ठीक है, अब लोब्यूल्स के अंदर यहाँ पर ब्लू कलर की हर एक कंपार्टमेंट में आपको देखो कुछ हाईली कॉइल्ड ट्यूब्स दिख रही हैं। देखो यहाँ पर 1, 2, 3 हाईली कॉइल्ड ट्यूब्स मैंने बनाई हैं, यहाँ पर भी 1, 2, 3 हाईली कॉइल्ड ट्यूब्स हैं, यहाँ पर 2 हाईली कॉइल्ड ट्यूब्स हैं, यहाँ पर 1, 2, 3 कॉइल्ड्स हैं, यहाँ पर 2 ट्यूब्स हैं। तो हर एक कंपार्टमेंट में, हर एक लोब्यूल्स में क्या होता है, 2 से 3 हाईली कॉइल्ड ट्यूब्स होती हैं, एंड दीज हाईली कॉइल्ड ट्यूब्स आर कॉल्ड सेमिनी फेरस ट्यूब्यूल्स। इनको क्या बोलते हैं, सेमिनी फेरस ट्यूब्यूल्स बोलते हैं। सेमिनी फेरस जो ट्यूब्यूल्स होती हैं, इनका फंक्शन क्या होता है, दे प्रोड्यूस
चलो यहाँ पे नहीं देखते हैं, हम यहीं पे देखते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। आपको यहाँ तक समझ में आ गया कि ये हाईली कॉइल ट्यूब्स होती हैं, इसमें 2 से 3 हाईली कॉइल ट्यूब्स होती हैं। अब जो ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल हैं, इनके अंदर आपको 2 टाइप की सेल देखने के लिए मिलती हैं। कितनी टाइप की? 2 टाइप की सेल आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलती हैं। एक तो स्पर्मेटोजेनिक सेल्स, ठीक है, या फिर मैं यहाँ पर यह भी लिख सकता हूँ, स्लैश लगा के आप लिख सकते हो, स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोगोनिया, ठीक है, जो कि क्या है, दीज आर स्पर्म स्पर्म प्रोड्यूसिंग सेल्स, प्रोड्यूसिंग सेल्स, ये स्पर्म प्रोड्यूसिंग सेल्स हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर जो दूसरा वाली, जो दूसरी वाली जो होती है, नंबर 1 स्पर्मेटोगोनिया और स्पर्मेटोजेनिक सेल्स, एंड नंबर 2 इज सर्टोली सेल्स, सर्टोली सेल्स, ठीक है, सर्टोली सेल्स के बारे में हम पढ़ेंगे यहाँ पर। तो देखो स्पर्मेटोगोनिया कहाँ पर प्रेजेंट है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर प्रेजेंट है। इनका फंक्शन क्या होता है, ये स्पर्म प्रोड्यूस करती हैं। अब स्पर्म प्रोड्यूस करती हैं इसीलिए द प्रोसेस बाय विच स्पर्म्स आर प्रोड्यूस्ड इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल इज कॉल्ड स्पर्मेटोजेनेसिस, जिसके बारे में हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। तो जिस प्रोसेस से स्पर्मेटोगोनिया और स्पर्मेटोजेनिक सेल्स स्पर्म प्रोड्यूस करती हैं, उस प्रोसेस को हम स्पर्मेटोजेनेसिस बोलते हैं। लेकिन उससे पहले हम ये जो मैंने अभी यहाँ पर आपको ड्रॉ करके दिखाया है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, इनकी एक बार हम स्लाइड को देखते हैं कि इंटरनली इसमें कैसा स्ट्रक्चर होता है और ये किस टाइप की दिखती हैं, ठीक है।